हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य कर्नाटक, राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं बसव राज बोम्मई। ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसव राज बोम्मई। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा जो है ये 26 जुलाई 2021 को अपने मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो बसवराज बोम्मई बनाए गए हैं। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्पा का इन्होंने स्थान लिया है बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुआ था। बसवराज बोम्मई ये जो है लिंगायत समुदाय से आते हैं। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई, कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे एस आर बोम्मई के पुत्र 61 वर्षीय बसवराज सोमप्पा बोम्मई ये कर्नाटक में भाजपा नेताओं में से एक हैं। और इन्होंने 2008 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। बसवराज सोमप्पा बोम्मई ने बीजेपी को 2008 में ज्वाइन किया था और ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो यह थावरचंद गहलोत, ये कर्नाटक के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं कर्नाटक राज्य में? तो यह 28 सीटें। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 12 सीटें। और कर्नाटक राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 224 सीटें। और कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 नवम्बर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? तो ये हैं बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 5 सीटें। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में? तो यह 3 सीटें। और विधानसभा सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में? तो यह 70 सीटें। उत्तराखंड राज्य का गठन ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य केरल, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पिनरई विजयन, ये केरल के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है केरल के? तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के गवर्नर है, राज्यपाल हैं। केरल राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 20 सीटें हैं। और केरल राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो ये 140 सीटें। लोकसभा सीटें 20 हैं और विधानसभा सीटें 140 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी केरल राज्य में? तो ये हैं 9 सीट। और केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है पेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। और राज्यपाल गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो यह है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 2 सीटें। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 1 सीट। लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है अरुणाचल प्रदेश में। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 60 सीटें। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है हिमाचल प्रदेश, राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? तो यह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 4 सीटें। और हिमाचल प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 3 सीटें। और विधानसभा सीटें कितनी हिमाचल प्रदेश में? तो यह 68 सीट हैं। और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है गवर्नर? तो यह है बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के नए गवर्नर बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 10 सीटें। और हरियाणा राज्य में
राज्यसभा सीटें हैं यह 5 सीटें, और विधानसभा सीटें कितनी हरियाणा में, तो वो है 90 सीट। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य यह है गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, तो यह गांधीनगर, और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है विजय रूपानी, ये चीफ मिनिस्टर है गुजरात के विजय रूपानी, और राज्यपाल कौन है, तो यह आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। गुजरात राज्य में लोकसभा सीटें, तो यह है 26 सीटें। गुजरात राज्यसभा में राज्य में राज्यसभा सीटें, तो यह है 11 सीटें, और गुजरात में विधानसभा सीटें कितनी है, तो यह है 182 सीट। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, तो यह है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यह है प्रमोद सावंत, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और गोवा के राज्यपाल गवर्नर कौन है, नए बने हैं P.S. श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के नए राज्यपाल बने हैं P.S. श्रीधरन पिल्लई। और गोवा राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है, तो यह है 2 सीटें, और गोवा में राज्यसभा सीटें कितनी है गोवा राज्य में, तो वह है 1 सीटें, और गोवा राज्य में विधानसभा सीटें कितनी है, तो वह है 40 सीटें। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है छत्तीसगढ़, राजधानी क्या है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के, तो यह है अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है, तो यह है 11 सीटें, और छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी है, तो यह है 5 सीटें, और छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटें कितनी है, तो यह है 90 सीट। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है आंध्र प्रदेश, राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल, ये आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ये चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के, तो ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है, तो यह है 25 सीटें, और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो यह है 11 सीटें, और आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटें कितनी है, तो यह है 175 सीट। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है बिहार, राजधानी क्या है, पटना, और मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के नीतीश कुमार हैं, और राज्यपाल कौन है, तो यह है फागू चौहान, और बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यह है 40 सीटें, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो यह है 16 सीटें, और बिहार में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो यह है 243 सीट। बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है असम, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है चीफ मिनिस्टर, तो ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और राज्यपाल कौन है, तो ये हैं जगदीश मुखी। असम राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 14 सीटें, और असम में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 7 सीटें, और विधानसभा सीटें कितनी हैं असम राज्य में, तो वो हैं 126 सीट। असम राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है, और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, और राज्यपाल कौन है झारखंड के, तो ये हैं रमेश बैस, ये नए झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस। और झारखंड में लोकसभा सीटें कितनी है राज्य में, तो हैं 14 सीटें, और राज्यसभा सीटें कितनी है झारखंड में, तो यह है 6 सीट, और विधानसभा सीटें कितनी है राज्य में झारखंड में, तो वह है 81 सीट। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है मध्य प्रदेश, राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, वो है भोपाल, और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के, तो वो है शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में नए राज्यपाल कौन बने हैं अभी, तो वो बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये
मध्य प्रदेश राज्य के नए गवर्नर बने मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है राज्य में, तो यह है 29 सीटें। और मध्य प्रदेश राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो वो है 11 सीट। और मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो है 230 सीट। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है महाराष्ट्र, राजधानी क्या है, मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के, तो वह है उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है, तो यह भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है, तो वो हैं 48 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो वो हैं 19 सीट। और महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो है 288 सीटें। महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ था, वो हुआ था 1 मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है मणिपुर, राजधानी क्या है, इम्फाल है मणिपुर की। और मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। ये जो है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है, ये हैं नजमा हेपतुल्ला। ये राज्यपाल है मणिपुर की नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो वो हैं 2 सीटें। और मणिपुर राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो वो 1 सीट। और विधानसभा सीटें कितनी हैं मणिपुर राज्य में, तो वो हैं 60 सीट हैं। और मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है मेघालय, राजधानी क्या है, शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। और राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। ये जो है मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और मेघालय में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यह हैं 2 सीटें। और मेघालय राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट हैं, तो वो है 1 सीट। और विधानसभा की कितनी सीट है मेघालय राज्य में, तो वो है 60 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेघालय राज्य का जो गठन हुआ था, वो 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मिजोरम है, राजधानी क्या है, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरमथंगा। ये जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। और राज्यपाल कौन है, ये नए राज्यपाल बने हैं मिजोरम के, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ये जो है मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। मिजोरम में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 1 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं मिजोरम राज्य में, तो वो है 1 सीट। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं मिजोरम राज्य में, वो हैं 40 सीटें। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है नागालैंड, राजधानी क्या है, कोहिमा है नागालैंड की। और मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। ये नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। और राजपाल कौन है नागालैंड के, तो आर एन रवि राजपाल हैं, गवर्नर हैं नागालैंड के। नागालैंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो वो है 1 सीट। और नागालैंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो यह है 1 सीट। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं नागालैंड में, तो वो है 60 सीटें। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है ओडिशा, राजधानी क्या है ओडिशा की, भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। ये ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, गवर्नर हैं। और ओडिशा में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यह 21 सीटें। और ओडिशा राज्य में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और ओडिशा राज्य में विधानसभा की 147 सीटें हैं। ओडिशा राज्य का गठन ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है पंजाब, राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के, तो यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। और राज्यपाल कौन है गवर्नर, तो ये हैं वीपी सिंह बदनौर। ये पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं गवर्नर हैं। और पंजाब में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यह हैं 13 सीटें। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं पंजाब राज्य में, तो वह है 7 सीटें। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो यह हैं 117 सीटें पंजाब राज्य में। और पंजाब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है राजस्थान, राजधानी क्या है, जयपुर है राजस्थान की। और मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है, तो ये हैं कलराज मिश्र। ये राजस्थान राज्य के
गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं राज्य में? 25 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं राज्य में? राजस्थान में 10 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में? तो वह हैं 200 सीटें। और राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है सिक्किम, राजधानी क्या है? गंगटोक है सिक्किम की। मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है प्रेम सिंह तमांग, यह सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है? तो यह है गंगा प्रसाद, ये सिक्किम के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में लोकसभा सीटें कितनी है राज्य में? तो वह है 1 सीट है। और सिक्किम राज्य में राज्यसभा सीटें हैं तो यह है 1 सीट। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं सिक्किम में? तो वह है 32 सीटें। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है तमिलनाडु, राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री यह हैं एम के स्टालिन बने हैं। और राज्यपाल कौन है? तो यह है बनवारी लाल पुरोहित, एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह हैं 39 सीटें राज्य में। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तमिलनाडु में? तो वह हैं 18 सीटें। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं तमिलनाडु राज्य में? तो वह हैं 234 सीट। और तमिलनाडु राज्य का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है तेलंगाना, राजधानी क्या है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है? तो ये तमिलसाई सौंदर राजन, ये जो हैं तेलंगाना के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और तेलंगाना के लोकसभा सीटें कितनी हैं राज्य में? 17 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं राज्य में? 7 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं तेलंगाना राज्य में? तो वो हैं 119 सीटें। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है त्रिपुरा, राजधानी क्या है? अगरतला है। मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव, ये हैं त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो ये नए राज्यपाल बनाए गए हैं त्रिपुरा के, सत्यदेव नारायण आर्य, ये जो है नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य, त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल। त्रिपुरा लोकसभा सीटें कितनी हैं राज्य में? 2 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह है 1 सीट। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं त्रिपुरा में? तो वो हैं 60 सीटें। और त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य है उत्तर प्रदेश, राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो यह है योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह हैं 80 सीटें। उत्तर प्रदेश राज्य में 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह हैं 31 सीट। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो यह हैं 403 सीटें। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य है पश्चिम बंगाल, राजधानी क्या है? कोलकाता है। और नए मुख्यमंत्री हैं ये बनी हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की। और राज्यपाल कौन है? तो यह जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 42 सीट। और पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यह 16 सीटें। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा की। पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आइए अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक। राज्य है यह है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, तो यह राजधानी है नई दिल्ली। और मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है अरविंद केजरीवाल, ये मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। और उपराज्यपाल LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यह है अनिल बैजल। दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो यह हैं 3 सीट। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो वो हैं 70 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। प्रशासक कौन है? VP सिंह बदनौर, ये जो है प्रशासक हैं चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 1 सीट है। और राज्यसभा की कितनी सीट है? तो यहाँ पे कोई सीट नहीं है। विधानसभा की भी कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार, राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर।
लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डीके जोशी, एलजी है डीके जोशी। अंडमान और निकोबार में लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो है एक सीट। और राज्यसभा सीटें कितनी है अंडमान और निकोबार में? तो कोई सीट नहीं है। और विधानसभा की भी कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर व नागर हवेली एवं दमन और दीप, राजधानी क्या है? दमन है। प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। और लोकसभा सीटें कितनी है दादर व नागर? तो ये है दो सीटें हैं। और राज्यसभा की सीट कितनी है दादर व नागर हवेली एवं दमन और दीप में? तो ये है कोई सीट नहीं है। और विधानसभा की भी कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राजधानी क्या है? तो ये ग्रीष्मकाल राजधानी श्रीनगर, और जम्मू जो है ये शीतकालीन राजधानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है एलजी? तो ये मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा सीटें, तो ये पाँच सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं जम्मू और कश्मीर में? तो ये हैं चार सीटें। और विधानसभा की 83 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख राजधानी क्या है? लेह है। एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर, ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यह है एक सीट। राज्यसभा की कितनी सीट है? तो कोई सीट नहीं है लद्दाख में। और विधानसभा की भी कोई सीट नहीं है, जीरो सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप राजधानी क्या है? कवरत्ती है। और प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप में लोकसभा सीटें कितनी है? तो एक सीट है। राज्यसभा और विधानसभा की कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी राजधानी क्या है? पुडुचेरी, मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी, ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन है? तमिलीसाई सौंदर राजन। पुडुचेरी में लोकसभा सीटें कितनी है? तो एक सीट है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह है एक सीट। लोकसभा राज्यसभा की एक एक सीटें हैं। और विधानसभा की 30 सीटें हैं पुडुचेरी में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।